नमस्कार दोस्तों, मैं अंजना अंजनांगन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, फेस्टिव सीजन में ऑनलाइन शॉपिंग में काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा और आज इस वीडियो में मैं उसी प्रॉब्लम्स को आपको बताऊंगी और एक अनबॉक्सिंग भी दिखाने वाली हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैंने ऑर्डर किया था कुछ प्लांट्स, फ्रूट्स प्लांट्स 3 अक्टूबर को और सेलर ने उसे डिस्पैच किया 14 अक्टूबर को। तुरंत इसलिए डिस्पैच नहीं किया क्योंकि दशहरा का फेस्टिवल चल रहा था तो काफ़ी रश होता है। तो सेलर ने बोला था कि अभी प्रॉब्लम हो सकती है, आपका पार्सल कहीं अटक गया तो प्लांट्स है ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए उन्होंने 14 को डिस्पैच किया। प्लांट्स 19 अक्टूबर को हमें मैसेज आता है कि आपका पार्सल आउट फॉर डिलीवरी है। मॉर्निंग में 5:30 के करीब आया था मैसेज और इवनिंग में 5:30 उन्होंने कॉल किया था। सारे दिन मैं फ़ोन का वेट करती रही बट शाम में मैं जब दूसरे कमरे में थी एकदम से घंटी बजती है और जैसे ही मैं पहुंचती हूँ कट गया होता है, मैं रिसीव नहीं कर पाती हूँ। और जब मैं उनको कॉल बैक करती हूँ ना तो कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। व्हाट्सएप करती हूँ, कोई रिस्पांस नहीं है। मैं बल्कि रात तक वेट करती रही कि हो सकता है कि कहीं दोबारा वो कॉल करें या कहीं मेरा व्हाट्सएप देखें या मैसेज सॉरी कॉल ही मतलब रिसीव करें तो मतलब मुझे मिल जाएगा। मैं होपफुल थी। जब नहीं मिला ना तो मैंने नेक्स्ट डे सेलर को बताया कि ये प्रॉब्लम आई है, अब बताओ मैं क्या करूं, वो कॉल नहीं उठा रहे हैं। तो सेलर ने बोला कि कोई बात नहीं, मैं मैसेज करता हूं उनको, हो सकता है कि अगर वहीं पे होगा प्लांट्स तो आपको मिल जाएगा। मैं नेक्स्ट डे भी वेट करती रही बट नहीं मिला। फिर 25 अक्टूबर को ना दोबारा मैसेज आता है और वैसे ही मॉर्निंग में ही मैसेज आता है और मैं पूरे दिन फ़ोन के साथ होती हूँ। जब शाम में कॉल आती है ना तो मैं उनको रिसीव करती हूँ और जहाँ पे उन्होंने बुलाया होता है मतलब घर के आसपास लोकेशन में ही, तो मैं वहाँ पे जाती हूँ बट वो मुझे मेरा पार्सल नहीं देते हैं। ये कह के कि आपका पार्सल मुझे मिल नहीं रहा है और वो मुझसे ही पूछते हैं कि आपका पार्सल कितना बड़ा है। मैं अंदाज़ा उनको बताती हूँ कि इतना बड़ा हो सकता है बट उनको नहीं मिलता है। वो कहते हैं कि मैं आसपास का एरिया का नाम बताया उन्होंने कि बड़े बड़े पैकेट हैं, मैं उनको दे के आता हूँ, हो सकता है कि आपका पार्सल नीचे दबा हो तो आपको मैं दे दूँगा। मैंने पूछा कितने देर में आते हो तो उन्होंने 1/2 घंटा बोला बट वो रात तक नहीं आए। मैं वेट करती रही, इस बार मैं थक चुकी थी। फिर से मैंने सेलर को फ़ोन किया कि भाई बताओ, उनको व्हाट्सएप किया कि मतलब क्या करूँ मैं, तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, मैं आपको दोबारा भेज दूँगा, आप परेशान ना हो। तो अब मैं वेट करने लग गई लेकिन दोबारा मतलब काफ़ी टाइम लग गया और 9 नवंबर को, क्योंकि फेस्टिव सीजन चल रहा था तो 1-2 दिन तक तो मैंने ही थोड़ा सा सोचने लगी कि मैं क्या करूं। तो फिर मैंने रिसेलर को बोला कि ये बताओ मेरे पैसे तो ख़राब हो गए ना, मुझे नहीं मिला और ये जो कंडीशन जो हुई थी मेरे साथ वो सारा कुछ मैंने उनको बोला। फिर उन्होंने ना 9 नवंबर को वो प्लांट्स दोबारा डिस्पैच करते हैं और 14 नवंबर को फिर से मॉर्निंग में आता है कॉल और मैं उस दिन शाम तक होती नहीं हूँ घर पे बट घर के मेंबर उसे रिसीव कर लेते हैं। जब मुझे रिसीव हो गया तो मुझे इतनी खुशी हुई कि चलो मेरा प्लांट्स मुझे मिल गया। लेकिन ये बताइए कि कितना डिले हो गया और ये जो शिपिंग कंपनियाँ हैं, अगर उन्होंने मेरा प्लांट्स या जो भी पार्सल मेरा भेजते हो वो पार्सल जाता कहाँ है और ऐसा क्यों करते हो यार। ऐसा ही मेरा एक दूसरा पार्सल भी था, वो कॉस्मेटिक आइटम था और उसमें क्या हुआ कि डिलीवरी बॉय घर तक आया ही नहीं था और उन्होंने मैसेज वहाँ पे दे दिया था कि एड्रेस जो है करेक्ट नहीं है। फिर आउट फॉर डिलीवरी का मैसेज आया हुआ था तो हमने उनसे बात करी तो वहाँ मुझे वहीं से पता चला कि उन्होंने ये बात वहाँ पे जाके बता दी है। अब ये बताओ कि अगर 2 या 4 दिन में जिसको मकान चेंज करना होगा वो एड्रेस ऐसा गलत क्यों देगा और वो बुक ही क्यों करेगा, है ना। तो इस तरह की प्रॉब्लम आई है, पहली बार आई है इस फेस्टिव सीजन में। आपके साथ भी कुछ प्रॉब्लम हुई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि शिपिंग कंपनियों से कि आप तो भैया बिजनेस कर रहे हो लेकिन हमारा जो टाइम और पैसा बर्बाद कर रहे हो। एक तो फेस्टिव सीजन में इतना सारा काम होता है घर का और बाहर का भी और हम सारा दिन मोबाइल को लेके बैठे होते हैं। मार्केट में जाओ तो इतना शोर होता है कि हम वहाँ पे मतलब
कन्वर्सेशन हमारी इतनी अच्छी हो नहीं पाती। अब हम करें तो क्या करें, लेकिन इस बीच में ये कहना चाहूँगी कि सेलर ने ना हमारी बात को समझ के दोबारा जब प्लांट्स भेज दिया ना, सचमुच मुझे बहुत खुशी हुई। वरना मुझे लग रहा था कि ये पूरा मंथ आप लगा लो निकल गया, मंथ से ज़्यादा ही निकल गया, 3 अक्टूबर से लेके ये आपका 14 नवंबर तक का टाइम। अब इतने दिन में ना मेरा दोबारा मन नहीं किया कि मैं दोबारा से ऑर्डर करूँ, लेकिन ये कोई अच्छी बात नहीं है। अगर आप इतना ऑर्डर लेते हो, सब कुछ करते हो, तो टाइम से उसे भेजा भी करो। और इस तरह के बहाने कि एड्रेस करेक्ट नहीं है या उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया, ये क्या तरीका है भाई। और सेलर का मैं बोलना चाहूँगी कि आपने मेरे फेथ को कायम रखा और प्लांट्स को सेंड किया। तो फ्रेंड्स चलिए आपको भी अनबॉक्सिंग दिखाती हूँ, और ये प्लांट्स मैंने कहाँ से मंगाए, प्लांट्स का कंडीशन क्या है, ये सब आगे आप वीडियो में देखिए। तो फ्रेंड्स ये रहा मेरा पार्सल फ्रूट्स प्लांट का, और ये देखिए पैकिंग कितनी अच्छी हुई है। और जो ये पाइप सा दिख रहा है ना, कुछ लोग प्लास्टिक वाले पाइप में भेजते हैं, और ये मैं पहली बार देख रही हूँ जो ये पेपर का पाइप है, और काफ़ी हार्ड है जिससे कहीं दबने का चांस नहीं है, और बीच बीच में होल्स भी बने हुए हैं जिससे प्लांट्स को एयर भी मिल रहा है। और अपर साइड में तो आपने देखा ही कि बिल्कुल ओपन है। तो आइए अनबॉक्सिंग करते हैं। काफ़ी अच्छे से ना रैप किया हुआ है जिससे कि डैमेज का कोई चांस भी ही नहीं है। और मैं थोड़ा, वीडियो लंबा है इसलिए जल्दी जल्दी थोड़ा सा वीडियो का स्पीड ज़्यादा है, और बस आपको ये बताना चाहूँगी कि बहुत अच्छे से इसको रैप किया हुआ है। आप देख ही सकते हैं बहुत सारा मेहनत लगा इसको अनबॉक्सिंग करने में। देखिए कितने सारे लेयर्स हैं, कहीं से भी प्लांट्स दबने का या हिल जाए तो भी ये नहीं है कि इसके जो रूट्स हैं वो हिलेंगे, क्योंकि अगर रूट्स हिल गया तो आपका प्लांट्स बहुत मुश्किल से बच पाता है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से किया हुआ है। 4 प्लांट्स मैंने मंगाए थे फ्रेंड्स, जिसमें कि एक कटिमोन मैंगो है, वेरीगेटेड माल्टा है, और एक चाटुकी ऑरेंज का प्लांट है, और एक रेड डायमंड गुआवा जो आजकल काफ़ी लोग लगा रहे हैं, और बहुत ही अच्छा गुआवा होता है, सॉफ्ट होता है, जिनके थोड़े बहुत दांत हिल रहे हों वो भी वो गुआवा खा सकते हैं, और आजकल तो मार्केट में भी बहुत मिल रहा है। तो वो मेरा मन था काफ़ी दिनों से कि मंगाऊं, और सबसे ज़्यादा मैं वेरीगेटेड जो माल्टा है ना वो चाह रही थी, और चाटुकी ऑरेंज, ये सब मैं पहली बार लगा रही हूँ। गुआवा के तो बहुत सारे प्लांट्स लगाए पहले भी, लेकिन ये वाला जो वैरायटी है वो मैं पहली बार मंगवाई हूँ। ये मैंने एक कॉम्बो ऑफर में मंगाया था, एक है इजोन फ्लाई वाले हैं, इनका ऐप है और इनका चैनल भी है, तो ये अक्सर कॉम्बो में प्लांट्स दिखाते हैं। और देखिए अच्छे अच्छे प्लांट्स भेजे ही होंगे, होप करती हूँ, चलिए आगे आपको देखने मिलेगा। और कॉम्बो इनका, मैंने जो कॉम्बो मंगवाया था 399 के 4 प्लांट्स मंगाए थे, कम के भी होते हैं, 299 के कॉम्बो भी मैंने देखे हैं, काफ़ी सारे कॉम्बो में ये निकालते रहते हैं प्लांट अपने, तो आप भी कॉम्बो में मंगा सकते हैं। ये अगर इंडिविजुअल मंगा रहे हैं ना तो उससे अच्छा में मिल जाता है आपको। देखिए फ्रेंड्स इनके प्लांट्स कितने हेल्दी हैं, और ये देखिए गुआवा प्लांट, इसका जो स्टेम है ना कितना थिक है, एक ब्रांच इसकी टूट गई है, ये पैकिंग के दौरान ही टूटी हुई है, क्योंकि पैकिंग इतना अच्छा सा था कि रास्ते में डैमेज होने का कोई चांस नहीं था। और सारे प्लांट्स हेल्दी हैं और स्टेम काफ़ी थिक है, तो आप भी अगर चाहें मंगवाना तो मंगवा सकते हैं। और सॉइल देखिए, इसे बिल्कुल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, रेड सॉइल में होता है तो सॉइल थोड़ा हटाना पड़ता है, लेकिन ये ब्लैक सॉइल में है तो इसे हटाने की ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए वेरीगेटेड लीव्स इसके बहुत ही प्यारे लगते हैं, और अगर आप भी मंगवाना चाहें तो मंगा सकते हैं। मैं इनका फ़ोन नंबर ऐड कर दे रही हूँ। सेलर जो है फेथ के लायक हैं, सचमुच इन्होंने मेरा फेथ बनाए रखा, इसके लिए सेलर को दिल से धन्यवाद। इन सारे प्लांट्स को मैं पहले पानी का स्प्रे करूंगी और लगभग 1 वीक के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी,
क्योंकि ये थोड़ा एटमॉस्फेयर में फिट हो जाए, उसके बाद ही इसे हम लगाएंगे गमले में, क्योंकि तुरंत लगाने से भी प्लांट डैमेज हो जाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी करें, और जो दर्शक चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।